पिछले वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस का जो पिछला कटअप था और जो फाइनल कटअप था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितना मार्क्स आप ला के फाइनल में एक तरह से कहिए सेलेक्ट हो सकते हैं। और वहां पे आपको बताया गया था मेंस का जो सिलेबस है उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू, वहां पे जो पिछला साल का क्वेश्चन था 7 जेपीएससी का उसके माध्यम से हम बताए थे, चीजों को समझाए थे थोड़ा बहुत। और वहां पे आपको बोला गया था कि जेपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि एक ही वीडियो में सभी चीजों को बताना संभव नहीं है, अलग अलग हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे। जीएस का यहाँ पे चार पेपर होता है तो चारों पेपर का जितना भी संभव होगा, जैसे जैसे संभव होगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ चारों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और सीक्वेंस वाइज चीजें जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कोई नया कैंडिडेट भी अगर जेपीएससी को दे रहा है या मेंस फेस करेगा तो उसको वही चीजें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जाएगा क्योंकि यहाँ पे चीजों को 5 से 10 मिनट में समझाना बहुत मुश्किल है, और आप मेंस अब देने जा रहे हैं तो वहां पे 3 घंटा का एक एक पेपर होगा, हो सकता है एक ही दिन दो दो एग्जाम होगा, तो 6 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। तो थोड़ा तो आप धैर्य बना के, एक तरह से कहिए धैर्य बनाना, आप सीखिए चीजों को धीरे धीरे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम आपका किसी तरह का टाइम वेस्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ सबको लेके चलना पड़ता है। हो सकता है आपको कुछ चीज पहले से पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको बहुत सारा चीज पता नहीं है, इसीलिए हमको चीजों को थोड़ा सा आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ताकि जो नया कैंडिडेट है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए कि मेंस का जो इतना वास्ट सिलेबस है उसको हम कैसे कवर करें। तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पेपर वन को लेके, और पेपर वन का दो पार्ट यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के टाइप से यहाँ पे लाएंगे, जिसमें एक जो है ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कितना मार्क्स लाने का हमको ट्राई करना चाहिए, ये सब सारे चीजों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो पिछला वीडियो में बताया गया था वो चीज हमको आइडिया होगा, हमको लगता है कि आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे चार पेपर होता है जीएस का, और दो पेपर होता है, एक पेपर होता है क्वालिफाइंग का और एक पेपर होता है आपका जो लैंग्वेज पेपर होता है जो कि चूज करना होता है, जिसका सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से 6 पेपर देने होते हैं, 6 पेपर में 5 पेपर जो है उसका मार्क्स आपका जुड़ता है और 1 पेपर का मार्क्स आपका जुड़ता नहीं है। अगर पिछला कटअप का थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करें कि क्या आपका टारगेट होना चाहिए, तो टारगेट आपको, क्योंकि जब भी आप किसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते हैं तो चीजें जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आपको बताया गया था अगर 7th जेपीएससी का एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे 532 जो है आपका क्या था, कटअप था मेंस का। अगर आप 532 मेंस में लाते तो इंटरव्यू के लिए चले जाते, और यहाँ पे 633 जो है वो फाइनल सिलेक्शन था, यानी कि 633 मार्क्स अगर लाते तो आप फाइनली जो है वो सेलेक्ट हो जाते। ये जनरल कैंडिडेट का हम बात करें, यहाँ का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, 101 का। क्या लगता है आपको इंटरव्यू में 100 में 101 नंबर देगा? 100 में तो 90+ या 80+ भी मिलना बहुत मुश्किल है, 70+ मिल जाए वही बहुत काफी है, तो 101 नंबर तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए पिछले वीडियो में बताए थे आपका, आपको अगर सिलेक्शन लेना है मेंस में जाके या इंटरव्यू में जाके अगर नहीं रुकना है तो एक ही तरीका है कि मेंस को अच्छे से अच्छे रूप से आपको तैयार करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्क्स आपका कम आया तो आप फिर से इंटरव्यू देके भी आप क्या हो जाइएगा, इस रेस से बाहर हो जाइएगा। और हम पिछले वीडियो में बताए थे इंटरव्यू देके अगर आप फेल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, इतना दुख होता है कि कभी कभी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपके पास अभी समय है, मेंस को अच्छे से तैयार कीजिए और चीजों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। हम बहुत सारा चीज जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपका स्ट्रेटजी कुछ अलग हो, सबका अलग अलग होता है, हम अपना स्ट्रेटजी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको अगर लगता है इसको फॉलो करना चाहिए तो जरूर फॉलो कीजिए, और लगता है कि आपका जो सोच रहे हैं, जो आपको पता है वो बेहतर है तो आप अपने अनुसार ही जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों का जो पहला पेपर है वो है सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा। तो इस पेपर में या जीएस का हर एक पेपर में अगर कटअप आपको अच्छा से क्लियर करना है, फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक पिछला जो एग्जाम है उसी से हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कितना मार्क्स लाना चाहिए, तो एक पेपर में अगर 130 मार्क्स अगर आपका आ जाता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हम हवा हवाई बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि खुद एक तरह से कह सकते हैं हम एग्जाम भी दे रहे हैं और आप लोग भी एग्जाम दिए हुए हैं, तो उसका मार्क्स के अनुसार ही हम चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 136 मार्क्स भी आ चुका है पिछला वीडियो में आपको हम बताए थे, तो जब किसी का 136 आ सकता है, हो सकता है किसी का इससे भी ज्यादा आया होगा जो कि हम, मेरे जानकारी में नहीं है, तो 130 जो है हम बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा नंबर यहाँ पे आपको नहीं बोला जा रहा है। अब ये 130 मार्क्स जो है वो कैसे लाइएगा, 130 मार्क्स जो है यहाँ पे आपको कैसे लाना है वो चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पे 130 मार्क्स जो लाया जाएगा, सबसे पहले आपको पता होगा एमसीक्यू रहता है,
तो एमसीक्यू यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 40 मार्क्स आएगा, तो आपको वहां पे हम मान के चलते हैं कि 30 क्वेश्चन आपका वहां 15 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आपको वहां पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से एमसीक्यू से 30 मार्क्स आपका आ गया। देखिए कम बेसी होते रहेगा, लेकिन एक एवरेज लेके हम यहाँ पे बताने का प्रयास करें। एग्जाम हॉल में जाने के बाद सारा स्ट्रेटजी फेल हो जाता है, फिर उसमें आप जो काम करते हैं वही एक तरह से है ना आपका रिजल्ट दिखाता है। लेकिन चीजों को अगर आप पहले से थोड़ा बहुत सोच के जाइएगा तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद उतना ज्यादा पैनिक फील नहीं होता है और चीजों को हम थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एकदम सोच के नहीं जाइएगा, डायरेक्ट एग्जाम ही देने जाइएगा तो हो सकता है वहां पे ज्यादा गड़बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे ये करना है, प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे चार क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40-40 मार्क्स का आपका रहेगा। तो चार क्वेश्चन में 40 मार्क्स लाने का तो भूल जाइए, 40 मार्क्स तो ऐसा भी नहीं मिलेगा फुल मार्क्स। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि स्कूल का एग्जाम नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको टारगेट कितना करना है, 25 का। अब देखिए आपका ये 25 चारों में कैसे आएगा, तो भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं 23 आएगा तो कहीं 27 आएगा, कहीं 22 आएगा तो 28 आएगा। मतलब ऑन एन एवरेज हम बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 25 मार्क्स आपका आ जाए, तो इस तरह से 100 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा टोटल आपका एमसीक्यू जोड़ के वहां कितना हो जाएगा, 130। तो आप समझ लीजिए 130 किस तरह से लाना है। अब यहाँ पे हम 25 मार्क्स क्यों बोले, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि एक टॉपिक को जब तैयार करते हैं तो उसमें पीएचडी करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च करने लग जाते हैं, लगता है कि हम यहाँ पे 40 में 30 ले आएंगे, 35 ले आएंगे। लेकिन अगर किसी एक टॉपिक में आप डूब जाइएगा तो पता चलता है कि समय आते के साथ आप दूसरा टॉपिक जो है उसको उतने अच्छे से तैयार नहीं कर पाइएगा। और पता चला है एक टॉपिक में तो आप 30-35 ले आए, लेकिन वहीं आप दूसरा टॉपिक का जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो पता चलता है वहां पे 15 नंबर आ जाएगा, तो फिर मिला जुला के तो आप कम ही रह जाइएगा। इसीलिए आपको तैयार करना है एक औसत लेवल पे कि अगर कोई भी प्रश्न किसी टॉपिक से आता है तो ऑन एन एवरेज मेरा 25 के आसपास प्लस माइनस 2 यहाँ पे रहेगा, या तो 22-23 आ जाए या 27-28 आ जाए, वो तो आपके हाथ में रहेगा नहीं। आप इतना टारगेट लेके चलिए कि ठीक है मेरा जो हम जो आंसर दे रहे हैं उसे मिनिमम कम से कम हमको जो है वो 25 मार्क्स मिलना चाहिए। दूसरा चीज है कि जब भी आप एग्जाम देने वाले हैं, अब मेंस का अगर आपको लगता है कि आपको मेंस देना है या वहां पे आप क्लियर हो सकते हैं या मेंस को लेके इंटरेस्टेड है, अगर 5-10% भी इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले आपके हाथ में एक जेरोक्स होना चाहिए, और वो किसका जेरोक्स होना चाहिए, सिलेबस का। क्योंकि अगर आप ये कहिएगा कि मेरा सिलेबस जो है मेरे मोबाइल में वहीं से हम देख लेंगे, तो फिर देखते रह जाइएगा, आपका कब भटकाव की ओर आप चले जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। आपके नजरों के सामने हमेशा आपका सिलेबस होना चाहिए, और नहीं तो इतना लंबा चौड़ा और इतना वास्ट सिलेबस है जेपीएससी का कि कब आप क्या पढ़ते पढ़ते कोई दूसरा टॉपिक में इंटर कर जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे एक एक करके हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको आप कैसे आपको तैयार करना है इस सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं बुक लिस्ट से, क्योंकि सिलेबस तो उम्मीद करते हैं आप अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होंगे तो डाउनलोड कर लिए होंगे। टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो आप जेपीएससी का साइट से जाके कर सकते हैं या कहीं पे भी गूगल सर्च कीजिएगा तो ये जो सिलेबस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सा बुक जो है हम लोग रेफर कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो बुक बता रहे हैं पहले क्लियर कर रहे हैं कि ये बुक को आपको पढ़ना नहीं है, जिसका यहाँ पे आपका हो सकता है कि किसी का ग्रेजुएशन होगा हिस्ट्री में तो वो ये सब बुक को ऑलरेडी पढ़ा होगा। लेकिन ये बुक आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, एक अभी आपको गाइड बुक या कोचिंग नोट्स लेना होगा, और उसके बाद अगर संभव हो टाइम आपके पास मिले तो ये सब जो ऑथेंटिक बुक है वहां से आप कुछ कुछ फैक्ट जो है इनपुट के रूप में रख सकते हैं, ताकि आंसर का जो आपका क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। और आने वाले अभी जो सीरीज है, ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, आने वाले समय में जो भी हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे वीडियो हम लोग डालेंगे वहां पे जो भी फैक्ट आपको बताया जाएगा वो सब इन्हीं किताबों से बताया जाएगा। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि कौन कौन से ऑथेंटिक बुक जो है वो हिस्ट्री के लिए हो सकते हैं। अगेन हम बोल रहे हैं कि अभी अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए ये सब बुक तो इसको फिर से पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ किसी का ऑनर्स रहा होगा पहले कभी ये सब बुक पढ़े होंगे तो फिर से वो सब किताब को निकालना प्रारंभ कर दीजिए। तो प्राचीन काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिक बुक है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे क्लास नोट्स हम बनाए और चीजों को वहीं से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसमें सबसे पहला किताब है केसी श्रीवास्तव का। दूसरा यहाँ पे इग्नू से, चूंकि मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इग्नू का तीनों जो काल का इतिहास है उसको हम वहाँ पे पढ़े हुए थे और नोट्स भी हम उसी से बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे चीजों को बताया जाता है और उसको ऑथेंटिक भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे चाहे प्राचीन काल का देखिए, मध्यकाल का देखिए या आधुनिक काल का देखिए, जितना भी नोट्स हम यहाँ पे बनाए हैं सारा का सारा नोट्स जो है उसका बेसिक और सबसे मेन जो सोर्स है वो इग्नू है। इग्नू में जो जो नहीं मिला है उसको हम लोग यहाँ पे दूसरा किताब से रेफर करके यहाँ पे बनाए हैं। तो इस तरह से एनसीईआरटी क्लास 6 आपको मिल जाएगा प्राचीन काल से, और क्लास 12 में तीन पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट है मध्यकालीन और तीसरा पार्ट है आधुनिक। तो यहाँ पे प्राचीन के संदर्भ में पहला पार्ट हम लोग यूज करते हैं। उपिंदर सिंह का बहुत मोटा बुक है, लेकिन अगेन
कुछ टॉपिक हम लोगों को इस सब बुक में नहीं मिलता है, तो वो सब हमको कहां से लेना पड़ता है, ये सब किताब से लेना पड़ता है। तो इसको पूरा शुरू पेज से आखिरी पेज पढ़े कोई जरूरी नहीं है, जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है वो सारा चीज पढ़ना होता है। उसी तरह से झांसी की रानी, ये भी हम शुरू पेज से लास्ट पेज नहीं पढ़े, जो टॉपिक हमको नहीं मिला है उस टॉपिक को यहां से हम एक तरह से कहिए कवर किए और नोट्स को अपना बनाने का प्रयास किए। तो ये तो आपका हो गया आपका ये प्राचीन काल का इतिहास। दूसरा यहाँ पे आपका होता है मध्य काल में, जिसमें एनसीईआरटी का क्लास 7 हम रेफर किए हैं, उसके बाद क्लास 12 का जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे हम लिए हुए थे, और उसके बाद जो है इग्नू का किताब तो आपको हम बताए थे, मध्यकाल में भी आता है। आधुनिक भारत का अगर देखें तो आधुनिक भारत में जैसे मैसूर युद्ध हो गया, ये सब जो युद्ध वगैरह सब हो गया, शुरुआती जो एक तरह से कह सकते हैं 1857 से पहले का घटनाक्रम, वो ज्यादा डिटेल से दिया गया है एस चंद का, जो बीएल ग्रोवर का किताब आता है आधुनिक भारत का इतिहास। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम ये टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे ये सब सारा चीज, क्योंकि कौन कौन सा बुक है। उसके बाद बिपिन चंद्र का किताब तो आप सुने ही होंगे आधुनिक भारत से संबंधित, फिर है क्लास 12 का जो तीसरा बुक है, तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत से संबंधित है, और इग्नू का बुक है। तो ये मेन मेन किताब है, एक तरह से ऑथेंटिक बुक है जिससे हम सारा नोट्स जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोगों को मेंस के लिए हम यहाँ पे क्लास नहीं लेते, इसलिए ये जो है जनरल एक तरह से बनाया गया, स्पेशली जेपीएससी मेंस के लिए बनाया नहीं गया है। तो फिर भी जेपीएससी मेंस में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि जनरल से ही एक तरह से, अब हड़प्पा सभ्यता जनरल हम दूसरे एग्जाम में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन जो चीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हो सकता है जेपीएससी में पढ़ना नहीं है, तो वो सब सारा चीज यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब ये कहिएगा कि हो सकता है बहुत सारे ये लोग भी ये भी कहेंगे कि ये केवल दिखाने के लिए हम करें, इतना किताब पढ़ना संभव नहीं है। तो देखिए मेरे पास टाइम था, 3 साल हम ग्रेजुएशन किए, वहां पे हम इग्नू का सारा किताब पढ़े, उसके बाद भी मेरे पास समय था इसलिए हम यहाँ पे पढ़े, और इसका नोट्स भी यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं वो लगभग 708 पेज का है, लगभग क्या एग्जैक्ट यहाँ पे 708 पेज का है। 708 पेज होने का रीजन बस इतना है कि यहाँ बहुत सारा हम इमेजेस का यूज किए हैं ताकि चीजों को समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हम बहुत सारा डायग्राम सब भी यहाँ पे यूज किए हैं ताकि पढ़ने में जो है वो आसानी हो जाए। बहुत सारा वेबसाइट है, कोइन इंडिया करके वेबसाइट आता है, वहाँ पे आपको इस तरह का कोइन जो है वो मिल जाएगा। विकिपीडिया तो सभी को यूज करते ही करते हैं, वहाँ पे हड़प्पा.com में अगर आप जाइएगा तो हड़प्पा से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो सारा चीज जो है वहाँ से। एक चीज और है पेज बढ़ने का कारण कि जो भी चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप पिछला हमारा जो वीडियो है उसको भी देख लीजिए कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम कराते ही कराते हैं, ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि इस तरह का जो प्रश्न है इस तरह के टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वही काम हम मेंस में भी करेंगे, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उसके बाद मेंस में किस तरह के प्रश्न आ चुके हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका सारा चीज जो है डिटेल वाइज यहाँ पे हम लोगों को जो जो चीज पढ़ना होगा, जैसे ये सब सारा चीज जो है वो पाषाण काल से संबंधित है लेकिन हम लोगों को पढ़ना नहीं है यहाँ पे, तो हम ये सारा चीज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हड़प्पा से संबंधित आज एक पावर पॉइंट भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाले हुए हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल वाइज यहाँ पे चीजों को हम समझाने का प्रयास किए हैं, और हो सकता है कि किसी को इससे लाभ हो जाए। अगर एक व्यक्ति को भी यहाँ पे लाभ हो जाता है तो हम समझेंगे कि ये जो नोट्स हम बनाए हैं वो एक तरह से कहिए लोगों के लिए यूजफुल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो पुरातात्विक अवशेष यहाँ पे बनाया गया वो सब सारा चीज को यहाँ पे हम इंक्लूड करने का प्रयास किया। देखिए ये तो मेरा बनाया गया है, या हम जहाँ पे है ना जब यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, देखिए ये जो है आपका पीडे, ये आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में भी हम बहुत सारा डायग्राम को यूज करते हैं, और जैसे आप अगर माइंड मैप का सीरीज है वो भी देखे होंगे तो वहां पे भी हम माइंड मैप के थ्रू चीजों को समराइज करने का प्रयास किए, क्योंकि हम एक खुद बार बार करते हैं, स्टूडेंट हैं, हम भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जब एग्जाम के समय हम जाते हैं तो चीजों को समराइज करके अगर नहीं रखेंगे तो वहां पे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम समझाने का चीजों को प्रयास करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। यहाँ तो आपको हम बता दिए कि इतना बुक जो है वो इससे हम नोट्स बनाए, लेकिन क्या आपको इतना बुक पढ़ रहा है? तो बिल्कुल नहीं। अब इसका क्या उपाय है उसको आप देख लीजिए। इतने सारे आपको किताब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ बहुत सारे कोचिंग मटेरियल अभी अवेलेबल करवाए जाएंगे और बहुत सारे किताब जो है वो मार्केट में आएंगे, तो आपको एक पेपर से संबंधित, जैसे यहाँ जीएस का 4 पेपर है, तो अभी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री का पेपर जो कि जीएस के पेपर 1 से संबंधित है, तो इससे संबंधित आपको केवल और केवल एक बुक लेना है या एक कोचिंग मटेरियल ले लेना है। लेकिन इस कोचिंग मटेरियल को लेने से पहले या बुक को लेने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप सिलेबस लेते जाइएगा और देखिएगा कि पहला टॉपिक जो यहाँ पे जो लिखा हुआ वही टॉपिक वहाँ पे दिया है कि नहीं, मतलब सीक्वेंस वाइज चीजों को दिया है कि नहीं, और अगर सीक्वेंस वाइज नहीं दिया है तो फिर आप उलझ जाइएगा, पता चला जो नहीं पढ़ना है वो भी नोट्स में दिया गया है और वो चीज को भी आप पढ़ रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है,
और इसमें भी अगर आप उलझ जाइएगा, जो चीज नहीं पढ़ना वो चीज पढ़ने लग जाइएगा, तो पता चला कि जो चीज पढ़ना है वो आपका छूट जाएगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी कोचिंग मटेरियल मिलता है तो वहां पे देखिएगा सीक्वेंस वाइज जो है चीजें उपलब्ध कराई गई हैं या नहीं। अगर बुक है तो बुक तो उम्मीद करते हैं जो भी बुक मार्केट में अभी आ रहा है वो जनरली सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दिया जाता है, तो आप बुक ले लीजिए। अब क्या कर रहा है आपको देखिए, हो सकता है इनमें से कुछ किताब जो है ऑथेंटिक बुक जो है आपके पास भी होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ग्रेशन जो है उनका हिस्ट्री से ही होगा, तो ये सब किताब जो है पहले से होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे मुगल काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपका मनसबदारी और जागीरदारी, अब कुछ ऐसा तथ्य जो है हमको ऑथेंटिक बुक में मिला जो कि इस गाइड बुक में या कोचिंग मटेरियल में नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, किताब ऐसे रहता है अगर किताब में स्पेस है तो उस फैक्ट को आप वहीं पे ही लिख लीजिए, नहीं तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा नोट्स बनाइए। और जैसे मुगल काल से संबंधित या मनसबदारी और जागीरदारी से संबंधित कुछ तथ्य मिलता है तो आप अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लीजिए कि जो कि आपका गाइड बुक में दिया गया नहीं है, तो ये एडिशनल हो जाएगा। तो आपके पास अभी रिवाइज करने के लिए इतना बुक लेके तो आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, एक ही पेपर में इतना समय नहीं बिताइएगा, तो आपके पास क्या होगा, एक सिंपल सा एक किताब होगा और उसमें जो तथ्य नहीं दिए गए हैं उसके लिए एक अपना खुद का बनाया गया नोट्स होगा। थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, जब अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा तो यहां अब यहां पे एनसीक्यू नहीं बनाना, यहां खुद से चीजों को लिखना होगा और लिख के रिप्रेजेंट करना होगा अपने आप को, तब जाके आपको यहां पे मार्क्स मिलने वाला है। दूसरा के मेहनत से आप सोचिएगा कि बना बनाया सब चीज हमको मिल जाए और हम जाके उसको केवल रटे, तो पता चलेगा रटते रह जाएगा, लिखने जब जाइएगा तो लिखने नहीं पाइएगा, इसलिए थोड़ा बहुत अभी से ही लिखने का यहां पे प्रयास कीजिए। तो चलिए बुक तो हम आपको यहां पे बता दिए, अब यहां पे आपको करना क्या है, बुक जब आपको मिल जाएगा तब आपको करना क्या है, हर टॉपिक को आपको डिटेल वाइज एक तरह से अपना क्लास नोट्स जो है वहां पे आप लिख लीजिए, एक कॉपी ले लीजिएगा और वहां पे जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि हिस्ट्री में जो तीन सेक्शन हम लोगों का होता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल, तो इसमें से तीनों सेक्शन को पहले हम लोगों को तैयार नहीं करना है बल्कि तीनों में से कोई एक सेक्शन को लेना है और अच्छे से उसको तैयार करना है, उसके बाद जो है बाकी अगर समय बच जाता है तो सेक्शन को हम लोग इस तरह से डिटेल वाइज तैयार करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, मिडिवल जो है पीरियड को हम क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो पहला टॉपिक जो मेरा था वो था द अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे अरबों का आक्रमण। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे संबंधित यहाँ पे जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि सिंपली हम लोग ज्यादातर अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी का देखिए, यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो यूपीपीसीएस का देखिए, झारखंड में तो अभी दो ही एग्जाम हुआ है तो यहाँ पे आपको ज्यादातर हो सकता है कोई क्वेश्चन मिलेगा भी इस टॉपिक से रिलेटेड, और दो क्वेश्चन में तो अभी तक आया भी नहीं है तो यहाँ पे मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ऑथेंटिक एक तरह से कहिए सोर्स अगर ढूंढना चाहते हैं क्वेश्चन का, बहुत ज्यादा आप उलझना नहीं चाहते हैं, तो आप यूपीएससी को रेफर कीजिए कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें देखिए क्या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप ज्यादा क्वेश्चन का अंबार नहीं लगाइए, नहीं तो पता चला बीपीएससी का लेने चल गए तो एक ही टॉपिक से यहाँ पे 50 को क्वेश्चन बन गया, आप किसको हम तैयार करें वो पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए अच्छा है यूपीएससी का क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए। और अभी हम बताएंगे कि कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन से यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में अरबों के आगमन के ऐतिहासिक महत्व का एक लघु लेख लिखिए, और ये आया है सिविल सेवा परीक्षा 1995 का, तो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा ऐसे मार्केट में, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को एक तरह से कहिए जमा कर लीजिए और आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का यूपीएससी में नहीं मिल रहा है या कहीं पे भी नहीं, स्टेट पीसीएस में नहीं मिल रहा है, तो गाइड बुक बाजार में बहुत सारा आता है, गाइड बुक में देख लीजिए कि उस टॉपिक से कौन सा प्रश्न बनाया गया है। तो कहने का मतलब, कोई भी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक से या नोट से उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, फिर देखिए कि वहां पे कौन कौन सा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न पूछा गया है उसके बाद आपको अगला काम क्या है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन इसको देखिए, गजनवी का जो यहाँ पे एक तरह से कहिए भारत में आक्रमण होता है उससे संबंधित, यहाँ यूपीएससी 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था, अल बरूनी की किताब अल हिंद का भारतीय इतिहास के एक स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन आया था, फिर अल बरूनी द्वारा किए गए भारतीय समाज के वृतांत के साहित्य पर टिप्पणी कीजिए 2016 में यूपीएससी में पूछा गया था, फिर तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, ये यूपीएससी 2018 पूछा गया था, आंतरिक कला और संघर्ष में लिप्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले भारत पर आक्रमण करना गौरी को पर्याप्त निमंत्रण था, विवेचना कीजिए, यह 2019 में पूछा गया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा ढूंढने का, आपको इधर उधर भागने का कोई जरूरी भी नहीं है, यूपीएससी का वेबसाइट में जाइएगा, सारा क्वेश्चन ईयर वाइज वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए, रिसेंट में जो एक क्वेश्चन आया है वो आया है अलबरूनी के द्वारा किए गए भारतीय समाज के आकलन के दोषों का परीक्षण कीजिए, ये यूपीएससी 2023 में आया था और 20 में आया था, यहाँ पे तुर्की के आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राज्यों को पराजित होने के कारणों का आकलन कीजिए, ये आया था 2020 में।
फिर 2020 में ही एक क्वेश्चन आया था, कुछ नई हस्तकलाओं के उत्पादन का सूत्रपात तुर्कों के द्वारा किया गया, टिप्पणी कीजिए। ये भी 2020 में, अगेन ये थोड़ा बहुत है ना धुंधला दिख रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये सब हम टेलीग्राम में जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे डालते जाएंगे, आपको वहां पे परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। और आप कहिएगा यूपीएससी लेवल का तो जेपीएससी थोड़ी क्वेश्चन पूछती है, तो आप भूल जाइए है ना, कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल दिखाना चाहे ऐसे, देखिए कोई भी चीज हम यहाँ पे हम शुरुआत से बोल रहे हैं, हवा हवाई नहीं बोल रहे, चीजों के पीछे लॉजिक यहाँ पे है तब यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ 2003 का एक क्वेश्चन देखिए आप उठा के, 2003 यहाँ पे पूछा गया है मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित सांकेतिक मुद्रा के बारे में आपको यहाँ पे ये पूछा गया था सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 2003 में। अब यही क्वेश्चन को आप देखिए जेपीएससी के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है 2018 में, यानी कि 6 जेपीएससी जो हुआ था उसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा का आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे केवल क्या जोड़ दिया गया, आलोचनात्मक परीक्षण जोड़ दिया गया, इसीलिए हम यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल में हम डाल भी दिए हैं ये क्वेश्चन, वहां पे हम लिखे भी हैं कि यूपीएससी में 2003 वाले प्रश्न का केवल में केवल क्या जोड़ दिया है, आलोचनात्मक शब्द को यहाँ पे क्या कर दिया गया, सॉरी आलोचनात्मक शब्द को यहाँ पे केवल जोड़ दिया गया है, और ये भी नहीं सोचा कि ये प्रश्न मात्र 200 शब्दों का था, और ये लोग जेपीएससी वाला लोग पूछ दिया कितना नंबर में, 40 नंबर में। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर लिखना होगा तो बाकी जो पॉलिसी है उसको भी अगर आप लिखते, राजधानी परिवर्तन वगैरह सब भी लिखते तो ठीक है 40 मार्क्स में लिख सकते थे, लेकिन केवल और केवल यहाँ पे आपको लिखना था क्या, करेंसी के बारे में। तो करेंसी के बारे में आप कितना 40 नंबर में लिखिएगा, आप समझिए 1000 से 1200 वर्ड में क्या क्या लिखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब आइडिया आपको कहां से आएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिएगा तब आएगा, ऐसे हवा हवाई में पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो फिर से हम चीजों को समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक किताब ले लीजिएगा या कोई कोचिंग मटेरियल ले लीजिएगा, उसके बाद वहां पे जो भी टॉपिक आपका दिया गया है सिलेबस वाइज, सिलेबस आपके हाथ में रहना चाहिए, वो टॉपिक को क्लियर कीजिए या पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी में या कोई भी आपका एग्जाम हुआ है, जो भी आपको सुविधा लगता है, उस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को आप देखिए, और उसके बाद आपका जो मेन काम आता है उसके बाद ही आता है। उसके बाद देखिए हम टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपना जो लिखा गया क्वेश्चन है उसको यहाँ पे भेजे हैं, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे एक मिनट, ये खुल नहीं रहा है, देखिए ये खुल नहीं रहा है, अभी इसमें हम नहीं जाते हैं, आप टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा। यहाँ पे हम जो है एक क्वेश्चन लिखे हैं जो कि अभी आपको बताया गया था, भारत में अरबों के आगमन के ऐतिहासिक महत्व पर एक लघु लेख लिखिए, ये 95 में जो आया था उसके बारे में। अब यहाँ पे आपको अगेन बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये टेलीग्राम चैनल में जाके देख लीजिएगा, ये जूम नहीं हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाया है, चीजों को अपने से लिखने का प्रयास किया, ऐसा नहीं कि कोई गाइड बुक उठा लिए और केवल उसको पढ़े जा रहे हैं, लिखने का कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में आपको लिखना होगा, और अगर आप पहले से लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका होने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आप तैयार, पहले क्वेश्चन बैंक यहाँ पे क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन बैंक से आप एक या दो क्वेश्चन को उठाइएगा और उसका क्वेश्चन को यहाँ पे हाथ से अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आप चीजों को लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपके पास गाइड बुक है तो उसका भी आप सहायता लीजिए, लेकिन हाँ आपको कॉपी में इसको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेगा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, पता चलेगा कि आप जो है एग्जाम हॉल में गए और उसके बाद चीजों को लिख ही नहीं पा रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना होगा। दूसरा चीज है कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चर्चा करने के बाद जो यूपीएससी का क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि दो एग्जाम अभी तक हो चुका है जेपीएससी का, तो दो एग्जाम जो हुआ है उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है, पूछे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे प्राचीन काल से एक क्वेश्चन पूछा गया है, चोल शासक की स्थानीय प्रशासन प्रणाली की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, ये 6th जेपीएससी में आपका पूछा गया है। अब इसी प्राचीन काल में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका 7th जेपीएससी में जो पूछा गया था उसको यहाँ पे देखिए कि क्या पूछा गया था। 7th जेपीएससी में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा की है। तो सबसे पहले तो आपको ये दो प्रश्न जिस भी टॉपिक में आएगा उसको लिख लेना होगा। अगर जैसे आप प्राचीन भारत का अगर तैयार करें तो इसको लिख लीजिए, मध्यकालीन भारत का अगर तैयार करें तो शेरशाह सूरी को तो लिख लीजिए, अगर आधुनिक भारत का तैयार कर रहे हैं तो इस प्रश्न को लिख लीजिए। तो ऐसे दो प्रश्न तो आपको मिल जाएगा हर सेक्शन में जेपीएससी का, और बाकी प्रश्न आपको कहां से उठाना है तो यूपीएससी से यहाँ पे क्या करना है, उठाना है, चीजों को लिखने का प्रयास करना है। बार बार हम करें चीजों को लिखने का यहाँ पे आपको प्रयास करना होगा। अगर नहीं लिखेगा तो आप जो है ना केवल पढ़ते रह जाइएगा और पता चला कि एग्जाम हॉल में गए और उसके बाद कुछ तो लिखना ही नहीं पा रहे, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे आपको आपको हम थोड़ा बहुत सिलेबस यहाँ पे जो टॉपिक लिखा गया है वो चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक अगर सिलेबस का जेरॉक्स नहीं निकाले होंगे तो जेरॉक्स निकाल लीजिएगा, यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे नहीं दिखने वाला है,
ये लोग अपने वेबसाइट में अभी अच्छा से डाला भी नहीं है, जो डाला हुआ है वो चीज हम यहाँ पे डाले हैं, तो ये धुंधला दिखेगा, यहाँ पे पढ़ा भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ देना नया कैंडिडेट के लिए। अगर आप जेरोक्स के लेके पढ़ सकते हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और लास्ट तक देखिए। कुछ कुछ चीज जो है यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे और हर टॉपिक को केवल यहाँ पे पढ़ देंगे, कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है वो सब सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको अगर आप वीडियो स्किप करने वाले हैं यहाँ तक आने के बाद, खुद से आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा ये सोच के, तो बस इतना आपको अभी हम फिलहाल के लिए बताने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो ज्योग्राफी से संबंधित लाएंगे, और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा हम लोग सीधे यहाँ पे एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हम लोगों का कौन होगा, पहला टॉपिक होगा द अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो इससे संबंधित पहले कोई भी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसका जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है उसको आपको बताएंगे, और उनमें से अगर संभव होगा तो एकाध क्वेश्चन जैसे कि टेलीग्राम चैनल में अभी डाला गया उस तरह से हम खुद से लिखेंगे और उसको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी प्रैक्टिस कीजिए और वहां पे लिखने का एक तरह से कहिए आदत जो है आप डालने का प्रारंभ कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, शायद आपको दिखे तो ठीक और नहीं दिखे तो आप डाउनलोड कर लीजिए और चीजों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि आपको पाषाण काल वगैरह सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सीधे पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका ओरिजिन पढ़ना है, फिर एंटीक्विटी यहाँ पे पढ़ना है यानी कि इसका जो है पुरातनता कि ये कितना प्राचीन है, इसका काल क्या निर्धारण किया गया वो सब सारा चीज है, एक्सटेंट इसका विस्तार क्या है, और ऑथरशिप एंड मेन फीचर, तो इस तरह से यहाँ पे उसका साहित्यिक कार्य, हड़प्पा सभ्यता में कुछ साहित्य वगैरह मिला है कि नहीं मिला है, तो हम तो पता है कि यहाँ लिखित साक्ष्य कुछ यहाँ पे मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया, धौलावीरा सबका साइन बोर्ड के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या यहाँ पे राय है वो नहीं है वो सब सारा चीज पढ़ना है, उसके बाद उसका मेन फीचर जो था वो क्या था वो चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड हम लोगों का टॉपिक जो है प्राचीन भारत में वो क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ आर्यन, यानी कि आर्य का यहाँ पे जो ओरिजिन रहा था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना। उसके बाद है एंटीक्विटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर हम लोग जानते हैं चार मुख्य एक तरह से कह सकते हैं वेद है और उसके बाद कई ब्राह्मण उपनिषद वगैरह सब लिखे गए, तो उन सब के बारे में आपको क्या करना है पढ़ना है। फिर वैदिक काल का जो सोसाइटी समाज रहा है उसके बारे में पढ़ना है, उसका अर्थशास्त्र इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड, तो जो धार्मिक विशेषता था धर्म में जो अर्ली वैदिक था उसके बारे में पढ़ना है, यहाँ लेटर वैदिक काल के बारे में नहीं लिखा है, तो इसीलिए हम बोले थे बार बार कि सिलेबस जो है अपने पास रखिए, नहीं तो पता चला है कि उत्तर वैदिक काल का पढ़ना है, पढ़ रहे हैं हम पूर्व वैदिक काल का, ठीक है आपको पढ़ना था, सॉरी यहाँ लेटर है ना वही है ना कि यहाँ पे हाँ एक मिनट, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ड्यूरिंग द अर्ली, हाँ अर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि पूर्व वाला पढ़ना है, बाद वाला लेटर वाला नहीं पढ़ना है, तो ठीक है आपके पास समय होगा तो आप लेटर भी पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस में क्या लिखा है अर्ली, तो अर्ली को आपका पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए, लेटर वाला जो धर्म है उसका आपका सेकंड प्रेफरेंस रहना चाहिए, जब आपको समय मिले या एग्जाम समय जब रिविजन करना हो तो ये सबको आपको जब तक सिलेबस में नहीं देखिएगा तब तक कैसे ध्यान जाएगा, इसीलिए हम बोले कि ठीक है आप पढ़ सकते हैं लेकिन अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा तो छोटा छोटा चीज जो है यहाँ पे हम बताने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी गणराज्य के बारे में पढ़ना है कि लक्ष्मी गणराज्य का क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, काम करने का क्या तरीका था, वो सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर है राइज ऑफ द मगध एम्पायर, तो मगध एम्पायर के बारे में कि कैसे उसका एक तरह से स्थापना होता है, कैसे उसका साम्राज्य का विस्तार होता है, वो सब सारा चीज आपको पढ़ना होगा, जिसमें मुख्यतः हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मौर्य का एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, तो वही चीज को यहाँ पे पहले राइज होगा उसके बाद वो उसका विस्तार होगा। कलिंग वार के बारे में यानी कि कलिंग युद्ध के बारे में अगर कहीं पे डिटेल आपको कुछ मिलता है तो उसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कलिंग वार जो है वो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कलिंग युद्ध कब हुआ बस उतना याद कर लिया और यहाँ काम चल गया, वैसा नहीं है, तो इस तरह से इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है कि अशोक के जीवन काल में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव रहा, उसके जीवन में क्या प्रभाव रहा या समाज में इस युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, इसके बाद जो है क्या नीति में परिवर्तन आता है, यह सब सारा चीज दे सकता है, तो ये सब चीज को आप समझिए। अशोक का धम्म नीति इसके बाद ही आता है वो सब समझिए। अशोक का जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखिए कि अपना जो दूत है वो कहां कहां विदेश में भेजा था, उसका फॉरेन पॉलिसी कैसा था। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस समय आप देखिएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट है वो कैसा रहा था, जो भी आपका बिहार में गुफा वगैरह मिला है कर्ण चौपड़ का, या एक तरह से कह सकते हैं वहां पे बिहार का जो गुफा वगैरह सब मिला है तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मौर्य काल में बहुत ज्यादा आपको मंदिर वगैरह सबका स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, जो वहां पे पत्थर है उसी को काट के बनाया गया, बहुत सारा वहां पे गुफा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। मंदिर आपको कहां मिलेगा, गुप्त काल में देखने को मिलेगा, गुप्त काल में प्रथम बार ईंट का प्रयोग करके मंदिर का निर्माण किया गया, तो ये सब जो यहाँ पे एक तरह से कहिए उस समय का विशेषता था आर्ट
आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उसको आप देख लीजिए। उस समय के जो एक तरह से कह सकते हैं साहित्यिक था, साहित्य क्या विकास हुआ था, साहित्य में कौन कौन से साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य, ये भी आप थोड़ा बहुत वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद मौर्योत्तर काल में आपको पढ़ना है कुषाण, कुषाण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कनिष्क के बारे में, और कनिष्क के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना है, बाकी किसी के बारे में पढ़ना नहीं है। मौर्योत्तर काल में तो हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल में केवल और केवल आपको किसके बारे में पढ़ना है, तो कुषाण के बारे में पढ़ना है, सबके बारे में नहीं पढ़ना है। कनिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि शक संवत का प्रारंभ जो है इसी के काल में हुआ था, अशोक घोष है, नागार्जुन है ना, ये सब जो है इसी के दरबार में थे, चरक जो है इन्हीं के दरबार में थे। तो इसका जो एक्सटेंट है एम्पायर कि कनिष्क अपना साम्राज्य कैसे विस्तार करता है, इसका रिलीजियस पॉलिसी धार्मिक नीति का था क्या था, वो सब सारा चीज हम देखेंगे। महायान को ये संरक्षण प्रदान करता है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके काल में क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि यहाँ पे गांधार कला, मथुरा कला, यही सब मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सब सारा चीज यहाँ पे पढ़ना है। फिर लेटर ड्यूरिंग द यहाँ पे ड्यूरिंग कुषाण पीरियड, कि कुषाण पीरियड के बाद यहाँ और पहले के समय में क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट रहा, वो सब सारा चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर गुप्त काल आप पढ़ लीजिए, उसका ना जो विस्तार है वो पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो लैंग्वेज और लिटरेचर आप कालिदास के बारे में देखिए, आर्यभट्ट देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो मिल जाएंगे जो कि साहित्य में काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो होता है वो आपको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल, क्योंकि इसमें आपका आर्ट के क्षेत्र में देखिए या साहित्य के क्षेत्र में देखिए, धर्म के क्षेत्र में देखिए या आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में देखिए, सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ वो आपको देखना है। फिर हर्षवर्धन के बारे में देखना है जो कि गुप्तोत्तर काल से संबंधित है, इसमें लार्जेस्ट ग्रेट है ना हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो गुप्तोत्तर काल में भी आप देखिएगा कई यहाँ पे आपको राजवंश देखने को मिलेगा, लेकिन हमको पढ़ना किसके बारे में, केवल और केवल यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, और उसका जो एक तरह से कहिए जो कल्चरल अचीवमेंट रहा था, धार्मिक अचीवमेंट जो रहा था उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर यहाँ पे पढ़ना है चोला से संबंधित, और चोल से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे आपका हड़प्पा से संबंधित यहाँ पे क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है जो कि अभी हम बताए भी थे, तो वो चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे चोल का है मैरीटाइम है ना एक्टिविटीज इन साउथ ईस्ट एशियन, आपको पता होगा 1000 ईस्वी के आसपास में राजराज प्रथम आते हैं, फिर राजेंद्र चोल आता है, और वो लोग जो है साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा कर लेता है और एक तरह से अपना अधिकार जमाता है। तो वो सब सारा चीज को आपको डिटेल वाइज यहाँ पे तैयार करना है। चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था हम लोग आसानी शासन के लिए जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण रहा है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए तो जाना ही जाता है, तो इस तरह से इसके बारे में पढ़ना है। फिर है कल्चरल अचीवमेंट ऑफ पल्लवास, तो पल्लव के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से दक्षिण भारत के इतिहास में अगर हम जाए तो केवल दो कोई का इतिहास पढ़ना है, वो है पल्लव का, और दूसरा है जो है वो है आपका चोल का। यहाँ संगम साहित्य वगैरह भी कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम बार बार बोले थे कि सिलेबस को अपने नजरों के सामने हमेशा रखिए जेरोक्स करके, और नहीं तो पता चला पढ़ना क्या है, पढ़ क्या रहे हैं उसका कोई अता पता ही नहीं है। चलिए उसके बाद है मेडिवल है, अभी हम जो वीडियो यहाँ पे लाएंगे वो मीडियबल के संबंधित से संबंधित ही होगा। आपको बताया गया था कि तीन पार्ट में आपको एक पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और बाकी पार्ट को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, या अगर इस पार्ट से अगर सवाल आप नहीं बना पाए तो इमरजेंसी में आपको इतना पढ़ा हुआ रहना चाहिए कि आप जो है प्राचीन या आधुनिक से भी बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे मध्यकालीन करवा रहे हैं, आपका हो सकता है प्राचीन आप कर ले या आप आधुनिक कर ले, मतलब कोई भी एक सेक्शन आप तैयार कर सकते हैं डिटेल वाइज, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को लिख के यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, जैसे कि अभी हम तुरंत एग्जांपल भी इससे पहले अभी आपको बता रहे थे। तो यहाँ अरब का यहाँ पे इन्वेजन आपको बताना है कि यहाँ पे कैसे अरब लोग यहाँ पे आए गज यहाँ पे, वो सब मोहम्मद बिन कासिम का जो रहा था 711-712 के आसपास सिंध में ये लोग कब्जा किए थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना। फिर है सेकंड में यहाँ पे गजनवी का इन्वर्जन यहाँ पे पढ़ना है, गजनवी से मोहम्मद गजनी आएगा, फिर गौरी आएगा, फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा, वो सब सारा चीज आपको सेकंड पार्ट में पढ़ना है। फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा, अब देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे चीजों को अगर ध्यान पूर्वक सिलेबस वाइज नहीं पढ़िएगा तो आपका कैसे यहाँ मिस्टेक होगा। दिल्ली सल्तनत पढ़ना ये तो समझ गए, अब पता चला दिल्ली सल्तनत यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से हम पढ़ना शुरू कर दिए, रजिया सुल्तान सब पढ़ रहे हैं, बलबल उलबल सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब पढ़ना ही नहीं है। केवल हमको यहाँ पे पढ़ना क्या, मार्केट एंड मिलिट्री रिफॉर्म इन अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का ही पढ़ना है, और उसमें भी किसके बारे में पढ़ना है, मार्केट में जो रिफॉर्म करता है और मिलिट्री में जो रिफॉर्म करता है उसके बारे में। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी चीजों का दाम जो है वो फिक्स कर दिया था, उसके शासनकाल तक चीजों का दाम जो है वो ना तो कम हुआ था ना तो बढ़ा था। तो ये सब सारा चीज जो है आपको पढ़ना है, क्योंकि ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसीलिए मिलिट्री में भी काफी ज्यादा रिफॉर्म यहाँ पे ये किया था अलाउद्दीन खिलजी, तो वही चीज पढ़ना है। फिर है यूटोपियन पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इससे क्वेश्चन आ चुका है, सांकेतिक मुद्रा, इसी ना पागल राजा के तौर पर हम लोग जानते हैं कि उल्टा फुल्टा नियम कर दिया, कभी राजधानी परिवर्तन कर दिया तो कभी सांकेतिक मुद्रा दे दिया, या कृषि से संबंधित हो गया तो जहां युद्ध नहीं करना है वहां पर भी युद्ध कर लिया है ना, सेना में ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया जहां पर नहीं करना था, ये सब जो उल्टा फुल्टा इसका नीति
नीति जो कहा जाता है, हर नीति इसका उल्टा पड़ गया, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत में दो ही चीज पढ़ना है, पहला अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म, और दूसरा उल्टा पुल्टा जो काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक उसके बारे में। फिर मंगोल का जो यहाँ पे इन्वेजन होता है इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पे जो आक्रमण होता है। फिर रिलीजियस मूवमेंट और उसमें सूफी आंदोलन, और कौन सा पढ़ना है आपका भक्ति मूवमेंट। उसके बाद यहाँ पे है कि है ना डाउन ऑफ द न्यू इस्लामिक कल्चर, यानी कि न्यू इस्लामिक कल्चर का जो एक तरह से कहिए उद्भव होता है, विकास होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पश्चिम का एक तरह से कहिए आर्ट था, वो चीज आपका भारत में आता है, और दोनों का मिला जुला रूप जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब इस आर्किटेक्चर में कुछ इंडियन का प्रभाव देखने को मिलेगा, कुछ जो है वो आपका कहाँ का देखने को मिलेगा, इस्लामिक कल्चर जो है उसका देखने को आपको यहाँ पे क्या होता है मिलता है। तो वो सब सारा चीज जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज, तो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में भी आपको क्या करना है यहाँ पे जानना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सब चीज को तैयार करना। फिर है मुगल, मुगल में आपको क्या पढ़ना है, पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ना है। फिर अचीवमेंट ऑफ शेर शाह सूरी, इसका भी सवाल आ चुका है, तो ये चीज आप कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। अगेन हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सब सारा चीज जो है बहुत पहले भेज चुके हैं, जैसे पीटी कंप्लीट हुआ उसके बाद हमें ये सब सारा चीज भेजना प्रारंभ कर दिए थे। कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, कि जैसे यहाँ पे अकबर राजा बनता है उसके बाद वो कैसे कंसोलिडेट करता है सबको एक जगह एकत्रित करके, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को कैसे वो बनाता है, वो सब सारा चीज है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जागीरदारी एंड मनसबदारी, तो जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम जो है वो मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली पढ़ना था, उसी तरह से यहाँ पे जागीरदारी और मनसबदारी पढ़ना, तो वहां का इकता तो है नहीं पढ़ना, तो हम लोग इकता नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है जागीरदारी और मनसबदारी पढ़ना है तो पढ़ेंगे डिटेल वाइज। यहाँ पे अकबर भी, फिर है अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी था, राजपूत का जो है ना उसका संबंध था राजपूत से जो पॉलिसी था उसको पढ़ना है, और औरंगजेब का भी रिलीजियस और राजपूत पॉलिसी, यानी कि अकबर का क्या धर्म और राजपूत के प्रति नीति था, और औरंगजेब का धर्म और राजपूत के प्रति क्या नीति रहा था, वो दोनों को पढ़ना है, और हो सकता है इससे कंपेयर करके सवाल आपको देखने को मिले, जो कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे कि इन सब टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर है मुगल आर्किटेक्चर पेंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, है ना, यहाँ पे पेंटिंग से भी आपको पूछ सकता है। फिर आर्किटेक्चर तो ऐसे भी मुगल काल का बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका कंडीशन, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन देखना है, अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है कि उस समय है ना किस तरह का अर्थव्यवस्था था मुगलों के समय। तो ये सब सारा चीज आपको देखने के बाद एक लास्ट टॉपिक मध्यकाल में बचता है, वो है आपका राइज ऑफ द मराठा। मराठा का है अचीवमेंट देखना है किसका, शिवाजी के बारे में, और दूसरा चीज नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द मराठास एंड देयर डाउनफॉल। तो हम लोग जानते हैं पेशवाओं के काल में एक तरह से कहिए दिल्ली तक भी कब्जा कर चुके थे, दिल्ली के लाल किला में भी कब्जा कर चुके थे, लेकिन फिर इनका डिक्लाइन आता है, तो वो सब कैसे आता है, वो सब सारा चीज आपको यहाँ पे लास्ट जो मध्यकाल है उसमें क्या करना है पढ़ना है। अब चलिए वीडियो फिर से, ये भी लंबा होते जाएगा, देखिए सब वीडियो तो थोड़ा बहुत लंबा होते ही जाता है, क्या कर सकते हैं, कितना भी हड़बड़ा के हम बताएं चीजें जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होता नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग मॉडर्न वाला देख लेते हैं और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट, कि कैसे यहाँ पे यूरोप आते हैं और अपना अपना यहाँ पे जो गढ़ है किला है वो बताने के लिए कैसे अनुमति लेते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे अपना जो वर्चस्व है उसको स्थापित करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि कैसे वो एक तरह से कहिए कि यहाँ पे फॉर्मेशन अपना नींव रखते हैं और उसके बाद कैसे अपने आप को ग्रोथ करते हैं, वो सब सारा चीज को यहाँ पे पढ़ना है। कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हम आते हैं और हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कैसे वो कई सारे युद्ध करते हैं, मैसूर के साथ युद्ध करते हैं, बंगाल के साथ युद्ध करते हैं, मुगलों के साथ युद्ध किया जाता है, अवध के साथ युद्ध किया जाता है, यहाँ पे मराठाओं के साथ युद्ध किया जाता है, सिख के साथ युद्ध किया जाता है, यहाँ पे नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार वर्मा युद्ध होता है, वो सब के युद्ध होने के बाद ये अपने आप का या अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ा लेते हैं और अपना पावर जो है एक तरह से कहिए बढ़ा के यहाँ पे जो देसी रियासत बच भी गए थे उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल यहाँ पे बना के ये रखते हैं। बैटल ऑफ द प्लासी ये पढ़ना है और बक्सर पढ़ना है, यानी कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को डिटेल वाइज यहां पे पढ़ना है। फिर यहां कंट्रोल ओवर द मैसूर, मैसूर का जो युद्ध हुआ था, कैसे टीपू सुल्तान सबको हराया गया, वो सब सारा हैदर अली टीपू सुल्तान वो सबको यहां पे कितना युद्ध होता है, ये सब सारा चीज जो है वो पढ़ना है। सब्सिडियरी अलायंस जो है, सहायक संधि के बारे में पढ़ना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ईस्टेट करके ये जो है वो सब सारा चीज आपको यहां पे पढ़ना होगा। फिर है यहां रेजिस्टेंस एंड कॉलोनियल रूल, यहां की जो है कि जो भी एक तरह से कही औपनिवेशिक शासन है उसका कैसे विरोध किया गया किसानों के द्वारा, वो आपको पढ़ना है, ट्राइबल के द्वारा वो आपको पढ़ना है। फिर है कल्चरल रेनेसंस करके यहाँ पे दिया गया है कि धार्मिक पुनर्जागरण कैसे होता है। फिर 1857 का रिवॉल्ट है वो भी आपको पढ़ना होगा। फिर सोशल रिफॉर्म जो है मूवमेंट पढ़ना होगा, कि धर्म में काफी ज्यादा कुरीति आता है तो उसको सुधारने के लिए कई सारे रिफॉर्म किए जाते हैं,
उस रिफॉर्म में यहाँ पे सबसे पहले हिंदू कम्युनिटी में कौन सा रिफॉर्म हुआ था और उससे संबंधित कौन कौन से एक तरह कह सकते हैं संस्था थे उसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला संस्था आता है ब्राह्मण समाज, फिर है आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, फिर आपका प्रार्थना समाज और दूसरा है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो हिंदू समाज में जो कुरीति आ गया था उसको दूर करने के लिए ये सब जो है संस्था का निर्माण किया गया था। उसके बाद सोशल रिफॉर्म है ना, मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी। तो अगला वाला जो था हिंदू कम्युनिटी से संबंधित और ये वाला जो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसमें दो ही को पढ़ना है, वहाबी मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये दो मूवमेंट पढ़ लीजिएगा तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। फिर अगला यहाँ पे है राइजिंग स्ट्रगल एंड राइजिंग ऑफ ह्यूमन वुमेन स्टेटस, कि महिलाओं का जो इस तरह से कहिए उनके शिक्षा के लिए क्या किया गया, वो सब सारा चीज है। विवाह वाला जो आता है बात, वो सब सारा चीज जो है या आंदोलन में वो कैसे भाग ले रहे थे, समाज में उनका क्या भागीदारी था, सती प्रथा, ये सब जोड़ के आप देख सकते हैं एबोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, कि कैसे राजा राम मोहन के है ना अगुवाई में ये सती प्रथा को दूर किया जाता है। फिर विडो मैरिज एक्ट आया था, वो किस तरह से आता है, कौन कौन लाते हैं, क्या है ना प्रावधान था, वो सब समझ चलता है। कंसेंट बिल, जो शादी का उम्र का साल होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, कब कब आया था, वो पढ़ना है। फिर है ना स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, कि जो फीमेल एजुकेशन है उसमें कितना है ना जोर दिया गया, वो सब सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कब कब जो है वो फीमेल एजुकेशन में यहाँ पे सरकार के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जोर दिया गया। फिर है लैंड रेवेन्यू है ना, आपका रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब सारा चीज क्या करना है, पढ़ना है परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीन है जिसमें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम लोग जो है स्थायी बंदोबस्ती जब सीएटी एसपीटी एक्ट पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल चर्चा किए थे। तो उससे भी ज्यादा डिटेल जो है यहाँ पे आपको तैयार करना होगा, क्योंकि हो सकता है ना ये जो है 40 मार्क्स में पूछ रहे हैं, तो 40 मार्क्स में लिखने जैसा हर टॉपिक को आपको तैयार करना। और इसलिए हम बोले थे कि अगर आप आधुनिक भारत तैयार करें तो इस टॉपिक से कितने प्रश्न आ चुके हैं ये सभी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप सब प्रश्न को मत लिखिए, लेकिन कम से कम आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो तो आइडिया रहेगा। तो अचानक एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको किसी भी एंगल से सवाल पूछेगा तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होइएगा, और मात्र एक सवाल लिख के जाइएगा तो हो सकता है किसी दूसरे एंगल से वो सवाल पूछ दे तो आप पैनिक हो जाएगी। इसलिए सवाल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, टॉपिक को जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास कीजिए कि किस किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, तब आपका तैयारी जो होगा वो ठोस होगा। फिर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया 19th century, कि कैसे राष्ट्रवाद का यहाँ पे उदय होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है। फिर मॉडरेट एंड एक्सटेंट है ना, गरम दल और नरम दल के बारे में यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रीमिस्ट करके यहाँ पे पढ़ना है। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, होम रूल लीग के बारे में पढ़ना है और खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर महात्मा गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी का मास है ना पॉलिसीज जो है उसको पढ़ना है, जिसमें नन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सिविल डिसओबीडिएंट हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया और भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। फिर है लास्ट में द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इन कॉन्सिक्वेशन, कि कैसे यहाँ पे पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब सारा चीज जो है यहाँ पे आपको क्या करना है पढ़ना है। तो ये आपका इंडिया का इतिहास से संबंधित था। एक और लास्ट टॉपिक है जिसे सवाल पूछा गया था 6th JPSC में, और कभी कभी होता है ना कि आप आधुनिक भारत तैयार करके गए और कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया कि जो कि आपका बनाने लायक या आपको लग रहा है कि हम 40 मार्क्स में लिख ही ले सकते हैं, उस समय आपको तुरंत स्विच करना होगा। जैसे कि हम अगर बताएं तो हम शुरुआत जो 6th JPSC में था वो आधुनिक भारत पढ़ के गए थे, लेकिन आधुनिक भारत में है ना ये टॉपिक से पूरा महात्मा गांधी या अभी तक जो भी टॉपिक हम पढ़ा आपको बताया वो पूरा हम तैयार करके गए थे, लेकिन सवाल किससे आया, इस टॉपिक से जिसको हम तैयार नहीं किए थे, बहुत ज्यादा हमको लगा यहाँ सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा वहीं पे वही चीज जो कि आप पढ़ के नहीं गए। तो अक्सर यही देखने को मिलता है, हम जो चीज नहीं पढ़ के जाते हैं वही पूछा जाता है, और जो पढ़ के भी जाते हैं कभी कभी गलती करके आ जाते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया यूनियन, और इसका क्या है लिंग्विस्टिक यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, कि कैसे भाषाई राज्य का उदय होता है वो पढ़ना है। फिर नॉन अलायंस पॉलिसी आपको पढ़ना है, आपका अंडर नेहरू जो होता है आपका वो है, वो चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद है इंदिरा गांधी और ना लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से संबंधित ही एक प्रश्न पूछा गया था। अगर यहाँ पे इतना देर तक आप देख ही रहे तो उम्मीद करते हैं आप में काफी ज्यादा धैर्य है, तो हम दिखाई देते हैं वो क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ये 6th JPSC है ना, बिरसा आंदोलन, हाँ यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत का क्या एक तरह से कह सकते हैं भूमिका रहा था, वो चीज आपको बताना था। तो ये सब जनरली हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, हम लोग सोचे थे कि चलिए उधर जो बाकी टॉपिक है वहां से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश वाला से पूछ दिया गया। तो चलिए ठीक है, उस समय आपको तुरंत एक तरह से कहिए डिसीजन लेना पड़ता है, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक का जो सांकेतिक मुद्रा था वो क्वेश्चन हम बनाए थे। तो इस तरह से आपको अपने आपको इतना तैयार रखना है कि
कि जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं अगर वो टॉपिक से बहुत ज्यादा एक क्रम कुछ अतरंगी क्वेश्चन पूछा गया जो कि आप नहीं बना सकते हैं 40 मार्क्स के लिए, तो आप दूसरे क्वेश्चन में भी स्विच कर पाए उतना अपने आप को तैयार रखिएगा, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज हो गया। हिस्ट्री ऑफ झारखंड तो बहुत आसान है, आदि धर्म और सरना धर्म को भी गाइड बुक में आपको मिल जाएगा या गूगल भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, और ये सब हम लोग पहले से भी पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सदान, इमर्जेंस ऑफ नागपुरी लैंग्वेज, तो जिसका नागपुरी लैंग्वेज होगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं होगा उसको थोड़ा सा पढ़ना होगा, और सदान के बारे में तो आपको पीटी में पढ़ना था इसलिए हो सकता है वहां पे आप पढ़ लियोगे। ट्राइबल रिवोल्ट, तो ये सब चीज तो हम लोग पीटी में ही ऑलरेडी पढ़ते हैं। बिरसा मूवमेंट भी पढ़ते हैं, टाना भगत भी पढ़ते हैं, फ्रीडम मूवमेंट इन झारखंड जो है वो भी हम लोग स्पेशली जो है पीटी में पढ़ चुके हैं। तो इसको बस लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि अगर 40 मार्क्स से आ गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। तो चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे, वीडियो तो काफी लंबा हो गया, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हम फिर से एक बार यहाँ पे चीजों को समराइज करने का प्रयास करते हैं कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ आपको सिलेबस का जो जेरोक्स है वो लेना है। आप सिलेबस का जेरोक्स आप जब करा गए तो उसके बाद आपको एक किताब या कोचिंग मटेरियल लेना है जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सीक्वेंस वाइज दिया गया है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि उस टॉपिक को पढ़ना है, और टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है उसको यहाँ पे एक जगह लिख के रख लीजिए, और उनमें से कुछ प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। बस यही काम आपको यहाँ पे करना है, ज्यादा आपको यहाँ पे भटकना नहीं है। और यहाँ पे जो है कोई फैक्ट जो है, अगर कुछ ऐसा फैक्ट जो है वो नहीं मिलता है जो कि ऑथेंटिक बुक में है, तो उस सब चीज को ऐड करते रहिए। अब देखिए धीरे 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 जो है आपका तैयारी जो है वो बेहतर होते चलेगा, और जितना हो सकेगा वो धीरे धीरे, एक ही वीडियो में सब चीज बताना तो संभव है नहीं, तो जैसे जैसे होगा हम कुछ कुछ चीज जो है, कुछ टॉपिक जो है मिडिवल वाला टॉपिक जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको वो टॉपिक देखने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि किसी टॉपिक को कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह से चीजों को पढ़ना होता है और कैसे हमको लिखना होता है, ये सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। हो सकता है आपको हमसे ज्यादा आइडिया होगा, तो ठीक है, आप भी किसी का हेल्प कर सकते हैं तो उसको हेल्प करने का प्रयास कीजिए चीजों को, है ना। जो लोग हैं वो एक तरह से कहिए सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण इधर उधर भटक जाते हैं, तो उस भटकाव से रोकने का जो एक तरह से एक प्रयास है आप भी कर सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा बहुत अपने स्तर पे कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो हम बता रहे हैं वो दूसरे के लिए काम का ना हो, लेकिन हो सकता है किसी के लिए काम का हो जाएगा, तो ठीक है, अगर एक व्यक्ति के लिए भी काम का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सब क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और नोट जो है यहाँ पे, चूंकि ये जेपीएससी मेंस स्पेशल के लिए है नहीं इसलिए हम यहाँ पे नोट्स आप लोगों के ये देने वाले नहीं है, यहाँ पे सिंपली जो है केवल हम जो पढ़ाएंगे वो इस नोट से पढ़ाएंगे छांट छांट के, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से ये सिंपल सब चीज जो नहीं पढ़ना वो चीज भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे मतलब चूज करने में बहुत दिक्कत होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अभी जो है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ से छांट या 1000 पेज के नोट से आप छांट लीजिएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप सिंपली एक किताब ले लीजिए या कोचिंग मटेरियल ले लीजिए, जो भी मेन फैक्ट होगा, जो तथ्य होगा, महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताएंगे, वहां पे आप लिख लेने का प्रयास कीजिएगा और इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ज्योग्राफी का कौन सा बुक है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे, कैसे मेरा वहां पे स्ट्रेटजी रहा था वो भी आपको बताएंगे, और उसमें घबराने का बात नहीं है कि वहां पे हम इतना किताब का लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि ये ऑनर सब्जेक्ट था इसलिए हम यहाँ पे पढ़े हुए इतना किताब, दूसरा मेरा ऑनर सब्जेक्ट नहीं है तो हम उतना डिटेल पढ़े नहीं है, तो उसका भी एक बहुत आसान तरीका है, एक सिंपल सा बुक है, एक दो बुक है उसको आप पढ़िएगा तो वहां पे सारा टॉपिक जो आपका कवर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।